दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ, अगर आपके पास दोस्तों फेसबुक अकाउंट है, फेसबुक अकाउंट पर दोस्तों एड फ्रेंड की जगह आप लोग फॉलो का बटन कैसे ला सकते हो, उसके बारे में आप लोग इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग को पता होगा, आप लोग फेसबुक पर अकाउंट बनाएंगे तो दोस्तों आपको वहाँ पर एड फ्रेंड का ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पर देख सकते हो। सिंपल सा आपको यहाँ पर सबसे पहले चेक करना है कि आपके अकाउंट पर फॉलो का ऑप्शन आता है कि नहीं। तो सिंपल सा दोस्तों आप लोग यहाँ पर जस्ट आप लोग यहाँ पर थ्री डॉट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर में ही आपको यहाँ पे व्यू एज का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे व्यू एज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे फॉलो का कहीं पे सेटिंग देखने को नहीं मिलेगा। बट दोस्तों मैं आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे आप लोग यहाँ पे ऐड फ्रेंड के जगह फॉलो का बटन ला सकते हो, उसके बारे में बताऊंगा। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक जरूर से कर लीजिएगा, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। तो दोस्तों चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे फॉलो का बटन ला सकते हो। तो सिंपल से आपको करना क्या है, सिंपल से यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे फॉलो बटन लाने के लिए आपको दो तरीका बना हुआ जिससे दोस्तों आप लोग यहाँ पे फॉलो का बटन ला सकते हो। सबसे पहला तरीका के बारे में पहले बात करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला तरीका क्या है, सिंपल से आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करना है। थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे में ही देख सकते हो आपको यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। अगर आप में दोस्तों ये ऑप्शन मिलता है तो सिंपल से आपको यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे टर्न ऑन कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हो आपको सबसे पहले फेसबुक को अपडेट कर देना है, अपडेट करने के बाद सिंपल से आप लोग को यहाँ पे प्रोफेशनल मोड को यहाँ पे ऑन कर देना है, ठीक है। ऑन करने के बाद सिंपल से आपको यहाँ पे बैक आने के बाद आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है, ठीक है। रिफ्रेश करने के बाद आपको यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश जैसे करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं आपको इस तरह से यहाँ से ऑप्शन आने लगेगा सी डैशबोर्ड करके, यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे पहले ऐड स्टोरी का ऑप्शन आता था, जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल मोड ऑन किया यहाँ पे सी डैशबोर्ड का यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पे सिंपल सा करना कि यहाँ पे देखना है कि आपके अकाउंट पर फॉलो बटन आया कि नहीं। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पे व्यूज एज वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा अकाउंट पे यहाँ पे फॉलो का जो बटन है यहाँ पे आ चुका है। तो सबसे पहला तरीका ये है दोस्तों कि आप यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड को ऑन करके यहाँ पे फॉलो बटन ला सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं दूसरा मेथड के बारे में कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे फॉलो का बटन ला सकते हैं। तो सिंपल से यहाँ पे एग्जिट व्यू वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं, उसके बाद यहाँ पे सिंपल से यहाँ पे इसको यहाँ पे ऑफ कर देते हैं, जो मैंने यहाँ पे पहले ऑन किया था अब सिंपल से यहाँ पे मैं ऑन ऑफ कर देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑफ कर दूंगा तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरा फॉलो का जो सेटिंग है यहाँ पे चेंज हो जाएगा, मेरा पे फिर से यहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे थ्री डॉट पे मैं क्लिक करके आप लोगों को दिखा देता हूँ, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे मैंने दोस्तों यहाँ पे ऑफ किया तो यहाँ पे ऐड फ्रेंड का ऑप्शन आ चुका है। तो दोस्तों बात करते हैं दूसरा मेथड के बारे में कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे फॉलो का सेटिंग ला सकते हो। तो फॉलो का सेटिंग लाने के लिए सिंपल से आपको फिर से बैक आ जाना है। बैक आने के बाद सबसे ऊपर में ही देख सकते हो आपको यहाँ पे थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। थ्री लाइन वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो सबसे ऊपर में आपको यहाँ पे सेटिंग ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो नीचे में थोड़ा सा आपको स्क्रॉल करना है, यहाँ पे देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन शो करेगा, यहाँ पे देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे सबसे ऊपर में ही यहाँ पे देख सकते हो ऑडियंस एंड विजिबिलिटी में नीचे में यहाँ पे हाउ पीपल फाइंड एंड कॉन्टैक्ट यू का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। इस पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको कुछ इस तरह से यहाँ पे शो करने लगेगा। अब सिंपल सा दोस्तों आपको यहाँ पे करना कि यहाँ पे देख सकते हो एवरीवन का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे एवरीवन के यहाँ पे एवरीवन ही रहने देना है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन देखेंगे हु कैन सी योर फ्रेंड, तो यहाँ पे इसको पब्लिक ही रहने देना है। अगर आपने पब्लिक नहीं किया है तो सिंपल सा आपको यहाँ पे पब्लिक ही रहने देना है, ठीक है। पब्लिक रहने के बाद इसको यहाँ पे इसको ये पॉसिबल कनेक्ट को यहाँ पे सिंपल सा इस सेटिंग को यहाँ पे रहने देना है, इतना सब सेटिंग कर लेना है। इतना सेटिंग करने के बाद नीचे में यहाँ पे देख सकते हो आपको यहाँ पे फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इस पर क्लिक कर देना है। उस पर जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हो आपको इस तरह से यहाँ पे इंटरफेस शो करने लगा, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे जस्ट आप लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हो सिंपल से आपको यहाँ पे पब्लिक को पब्लिक ही रहने देना है। सिंपल से यहाँ पे इसको भी पब्लिक रहने देना है, ठीक है। ठीक है, इसको भी यहाँ पे पब्लिक रहने देना है, ठीक है। बस इतना सब आपको यहाँ पे पब्लिक इतना सब कर देना है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सो मस्ट रिवेंट कॉम्पलेट को यहाँ पे ऑन कर देना है। दोस्तों सबको यहाँ पे आपको पब्लिक कर देना है। पब्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको अपना प्रोफाइल यहाँ पे ओपन कर लेना है। प्रोफाइल ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश जैसे करेंगे तो आपको यहाँ पे थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे फिर से आपको क्लिक करना है। थ्री डॉट वाला ऑप्शन पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करके इसको ऑन कर लेना है।
ऑन जैसे करेंगे तो दोस्तों आपका प्रोफेशनल मोड जो है यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, हमने यहाँ पे प्रोफेशनल मोड को यहाँ पे ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद आप लोग यहाँ पे जस्ट व्यूज एज वेल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे फॉलो का जो सेटिंग है यहाँ पे मिल जाएगा। फॉलो का जो बटन है यहाँ पे आप लोग को शो करने लगेगा, और यहाँ पे फॉलो वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे कोई भी फॉलो भी कर सकता है बिना यहाँ पे ऐड फ्रेंड किए। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे पास दो प्रोफाइल है, ठीक है, मेरे पास दो अकाउंट है, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे पहला अकाउंट यहाँ पे ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे जस्ट देख सकते हैं, मैं यहाँ पे सबसे पहला अकाउंट यहाँ पे लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे दिखेंगे, यहाँ पे मुझे यहाँ पे फॉलो का सेटिंग दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो, मैंने यहाँ पे इसको यहाँ प्रोफेशनल मोड में इसको यहाँ पे ऑन करके रखा है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे इस अकाउंट में भी यहाँ पे प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन दिया गया है, ठीक है। और आपको प्रोफेशनल मोड का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आपको यहाँ पे फेसबुक को अपडेट कर देना है। फेसबुक को अपडेट करने के बाद जो मैंने दोस्तों दूसरा मेथड बताया था उस सेटिंग को आपको कर लेना है। उस सेटिंग को जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोफेशनल मोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं, मेरे यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है टर्न ऑन प्रोफेशनल मोड, और यहाँ पे जस्ट देखेंगे कि मैंने यहाँ पे इसको ऑन कर रखा है। और यहाँ पे जस्ट मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो लॉग इन एंड टू इन अदर अकाउंट ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे अपना प्रोफाइल यहाँ पे सर्च करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि मेरे में यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन दिया गया, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो मेरे यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन दिया गया, और इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे फॉलो हो जाएगा। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे ही मैंने यहाँ पे फॉलो का ऑप्शन पे क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं फॉलोइंग हो चुका है। जिस तरह से दोस्तों आप लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं, उसी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पे फेसबुक पर भी आप लोग फ्रेंड को कन्वर्ट करके फॉलोअर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो मेरे में यहाँ पे 2200 फ्रेंड था। जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल मोड को ऑन किया, फ्रेंड यहाँ पे 2200 फ्रेंड्स है दोस्तों यहाँ पे फॉलोअर में कन्वर्ट हो चुका है। और यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पोस्ट भी कर रखा है, यहाँ पे बहुत सारे पोस्ट भी कर रखा है। अगर आपने हमें फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर सकते हैं। और लास्ट में जाते जाते आपको छोटा सा काम कर लेना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। अगर आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, शॉपिंग करते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले आपको लूट रील्स देखने को मिलेगी। यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे लूट रील्स आते रहते हैं। तो अगर आपने हमारा टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों सबसे पहले मैं यहाँ पे लूट रील्स आप सबके लिए देता हूँ। तो टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आप शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से करते हैं, अमेजन से करते हैं, मिंत्रा से करते हैं, जियो से करते हैं, कोई भी एप्लीकेशन से शॉपिंग करते हैं तो इस टेलीग्राम को मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अच्छा खासा आप लोग को यहाँ पे सेविंग हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने इस वीडियो में आपको बता दिया कि किस तरह से आप लोग यहाँ पे फॉलो का बटन ला सकते हो। आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह वीडियो देखने के लिए। चलिए दोस्तों, हम आपसे मिलेंगे नए वीडियो के साथ। आपके लिए बाय एंड टेक केयर।